आज के वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ा होगा कि टॉपिक है कि चींटियां एक सीधी लाइन में क्यों चलती हैं। ये सब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और कई बार हमने इसके बारे में सोचा भी था कि ऐसा क्यों है, पर कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और इस बात को भूल गए। पर साइंस टॉक के इस वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों चींटियां एक सीधी कतार या फिर एक सीधी लाइन में चलती हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि जब भी कोई चींटी खाना ढूंढने निकलती है और उसे खाना मिल जाता है तो उस खाने को उठाती और अपने घर की तरफ निकलती है और पूरे रास्ते में एक केमिकल अपने अंदर से छोड़ती है जिन्हें कि हम फेरोमोन्स बोलते हैं। अब ये केमिकल महकते हैं और इनका स्मेल काफ़ी देर तक रहता है जिसे कि सिर्फ चींटियाँ सूंघ सकती हैं, और ये उन चींटियों को मदद करता है अपने घर से वापस उस खाने तक के लोकेशन तक पहुंचने में। और इसीलिए जब चींटी उस खाने का एक टुकड़ा लेकर अपने घर जाती है तो वहाँ से बाकी चींटियाँ उसके पीछे पीछे उसी गंध को फॉलो करते हुए खाने तक आती हैं और वापस यही साइकिल शुरू होता है। चींटियाँ खाना उठाती हैं, फिर वही केमिकल ड्रॉप करते 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 अपने घर तक जाती हैं, और जब तक वो सारा खाना उस जगह से अपने घर तक ना पहुंचा ले ये साइकिल चलता रहता है। तो इसका आंसर यही है कि जब भी चींटियाँ खाना लेके अपने घर जाती हैं तो वो रास्ते में एक केमिकल छोड़ती जाती हैं जिसे कि हम फेरोमोन्स कहते हैं, और ये फेरोमोन्स एक सीधी लाइन में वो गिराते जाती हैं जिस वजह से हमें लगता है कि चींटियाँ सीधी लाइन में जा रही है। पर अगर आप दूर से देखो तो वो लाइन एक्चुअल में सीधी ना होकर कुछ दूर तक सीधी जाएगी, फिर हल्का मुड़ जाती है और वो हल्का कर्व बन जाती है। तो चींटियाँ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, बस वो उस केमिकल ट्रेल को फॉलो करती हैं, उस स्मेल को फॉलो करती हैं जिस वजह से एक सीधा लाइन बनता है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि आखिर क्यों चींटियाँ एक सीधी लाइन में चलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।